तो आइए ले चलते हैं आपको आज की सनसनीखेज खबर की ओर, जहां मां ने पैसों की लालच में आकर अपनी दो नाबालिग बच्चियों को शादी का झांसा देकर बेच दिया, जिसमें से एक बच्ची ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। फरियादी लड़की ने झाड़ा थाने पर बताया कि हमारा परिवार कोलगांव जिला सतना में रहता था। 3 वर्षों पूर्व मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, तब से मेरी माँ व हम सब भाई बहन मामा के यहाँ रहने लगे। तभी उज्जैन जिले के टीपूखेड़ा गांव का श्याम सिंह रीवा में मजदूरी करता था। उससे मेरी माँ सरोज फोन पर बात करती थी। श्याम सिंह के कहने पर मेरी माँ सरोज व दो बहनें व एक भाई रीवा से उज्जैन जिले के थाना झाड़ा के टीपूखेड़ा के श्याम सिंह के घर पर रहने लगे। वहीं मेरी माँ सरोज व श्याम सिंह दोनों ने मिलकर 1,80,000 में शादी के नाम से बेच दिया। मुझे भी मेरी माँ सरोज व श्याम सिंह राजस्थान में शादी के नाम पर 4,50,000 रुपये में बेच दिया। फिर मैं अपने दादा के साथ उज्जैन जिले के झाड़ा थाने पर रिपोर्ट कराने आई। ये एक बालिका है रोशनी नाम की, उसके द्वारा अपने दादा के साथ आकर के रिपोर्ट की गई थाने पर, और बताया उसने कि मेरी जो माँ थी उसने किसी श्याम सिंह करके कोई व्यक्ति था जो उसके साथ पिछले 1 सालों से रह रहा था, और उसके द्वारा उसको कहीं राजस्थान में भेड़ला करके जगह है वहाँ पर पैसे लेकर के करीब 3-4 लाख रुपए का उन्होंने बताया है कि पैसे लेकर के बेच दिया। उसकी ये तीनों बहनें थी, जिसे एक छोटी बहन और है जिसका नाम चांदनी है, उससे छोटी है कांशिका है वो, और उस सबसे छोटा एक भाई है। ये चांदनी जो है रोशनी जो है वो 16 साल की है, और चांदनी जो है 14 साल की है, और अंशिका जो है 12 साल की है, लगभग ये उम्र उन्होंने बताई है। और हमने रोशनी को जब उससे पूछताछ की, उससे चर्चा करी, तो रोशनी ने हमको जानकारी दी कि अभी वो वहाँ से उसके पिताजी और जो तथाकथित पिताजी है, एक्चुअल में माँ ओरिजिनल है और ये पिताजी इसके शांत हो गए थे, तो ये उस समय पिछले 1.25 साल पहले इसकी जो माँ है उसकी उस आदमी से बातचीत हुई थी जो टीपूखेड़ा का रहने वाला है, जिसका नाम श्याम सिंह है, उससे बातचीत चलने लगी थी। बातचीत के बाद में वो यहाँ पर रहने आ गई थी।